गुजरात हाईकोर्टना परिसरमां जन्माष्टमीना पावन पर्वना उपक्रमे राज्यपाल आचार्य देवव्रत अने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सहितना महानुभावोना हस्ते औषधीय वननुं लोकार्पण करवामां आव्युं। राज्यपाल देवव्रतजीए गुजरात हाईकोर्टना चार प्रकल्पोने आगळ धपावा बदल शुभेच्छाओ पाठवी अने न्याय प्रक्रियामां मातृभाषा होवी जोईए तेवी हिमायत करी। मुख्यमंत्री श्री पटेले जणाव्युं के सरकारनी बंधारण प्रत्येनी प्रतिबद्धता दरेक व्यक्तिने कानूनी सेवा आपवा सक्षम बने छे। आ प्रसंगे गुजरात हाईकोर्टना मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमारे गरीब अने वंचित लोको सुधी न्याय पहोंचाडवा माटे कायदा विभाग सज्ज होवानुं जणाव्युं। आ प्रसंगे सुप्रीम कोर्टना न्यायाधीश श्री एम आर शाहे शुभेच्छा पाठवता जणाव्युं के भगवान श्री कृष्णे न्याय माटे पोताना मूल्यो साथे क्यारे बांधछोड करी नथी अने पीड़ितोने न्याय अपावा तेओ हमेशा अग्रेसर रह्या छे। त्यारे हाईकोर्टमां कार्यान्वित थयेल आ लीगल प्रोजेक्टो स्वस्थ राष्ट्र निर्माणनी परिकल्पनाने साकार करशे। आज 2-3% लोग उस भाषा को समझ और बोल सकते हैं पूरे देश में, तो क्या बाकियों के साथ ये अन्याय नहीं? मेरा नम्र निवेदन है कि आज भारत आजादी का 75वां दिवस मना रहा है, जिन लोगों को निकालने के लिए हमारे वीर क्रांतिकारी ने अपना बलिदान दिया, फांसी के फंदे चूमे, वो निकाल दिए, लेकिन उनकी विरासत को इतना संभालने की क्या जरूरत है? देश में સુરાજ્યનો આધાર ન્યાય હોય છે, એટલા માટે ન્યાય જનતા માટે સાથે જોડાયેલો હોવો જોઈએ। કાનૂની કાયદાની પરિભાષા અને અર્થઘટન પણ જનતાની ભાષામાં જનતા સમજે તેવી સરળ ભાષામાં હોવા જરૂરી છે તેવી તેમણે પ્રખર હિમાયત કરી છે। આજે લો ફોર કોમન મેનની ગુજરાતી આવૃત્તિ જન સમસ્ત અને કાયદો પુસ્તકનું વિમોચન વડાપ્રધાનશ્રીએ આપેલા એ વિચારને અનુરૂપ છે।